हसन आज़मी इकराम, ज़ाहिर है कि कोई नई बात तो हमने करनी नहीं होती। आजकल तो जो मुल्क के हालात हैं उसी के हवाले से बात की जाती है। होता है फ़र्क पड़ जाता है, कभी हम कोर्ट्सों के मामलों पर डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए वो आपस में लड़ रहे हैं, या ये की है कि हुकूमत और पार्लियामेंट, कोर्ट और पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। कभी कोई और ख़बर आ जाती है उस पर गुफ्तगू करने लगते हैं, कभी मुल्क की मईशत पर जो आजकल उस पर बहुत चर्चा है। बजट आने वाला है, कल हमने ख़ास तौर पर इस पर बात की थी, बजट आने वाला है। IMF जो है वो अभी हमें कुछ कोई डील उनसे हो नहीं रही, या कि हो रही होगी तो बस ख़त्म होने वाली है, एक महीना रह गया है। बाकी तो कोई उसका यानी एक महीने में एक आध किस्त अगर मिल सकती तो मिलेगी, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। हमने कह दिया कि अगली किस्तों के लिए हम तैयारी करेंगे, किसी ने कह दिया कि कोई प्लान भी है ही नहीं, कुछ और हम कर ही नहीं सकते, हम मजबूर हैं उनके साथ जाएँ और उनकी शरायत सख्त होंगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं, मईशत का जिक्र ख़ासतौर पर किया जा रहा है। 9 मई के बाद मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़ ये भी चल रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, क्या ये मुकदमा अगर इन्हें फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएँ तो क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के डिफेंड करने के लिए जो अदारे मौजूद हैं, नोन बड़े बड़े अदारे जिनका बहुत मुल्क में एहतराम भी किया जाता है, वो सारे के सारे फॉरेन फंडेड हैं। मैं तो समझ नहीं आती कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। जब वाइट हाउस पर हमला होता है पकड़ के आप अंदर कर देते हैं, वो उनके जाके स्पीकर की मेज़ पे पाँव रख के कुछ हरकत करता है उसको सजा सुना देते हैं। पाकिस्तान के बारे में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। इससे ये ना समझा जाए कि मैं इस बात का कायल हूँ कि पकड़ कर सबको फ़ौजी अदालतों के सपोर्ट कर दिए जाए, उनमें मुकदमे चलाए जाएँ और जो कोर्ट्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तो ये ख्याल पैदा हो गया है कि इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इन अदालतों में मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए। यहाँ ये ख्याल पैदा हो गया कि खुद वकील चूंकि वहाँ पेश नहीं हो सकते, इसलिए वो कानून के एहतराम में नहीं बल्कि इस ख्याल से कि वो उनके आर्बिट से बाहर चला जाएगा, वो इन अदालतों की मुखालफत करते हैं। मैं इनमें से किसी बात के हक में या मुखालफत में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हुई है। और ख़ास तौर पर इस वक्त, इस हफ्ते, इन दिनों में, 2 हफ्ते तक ख़ास तौर पर हमारा मईशत का मसला बहुत आगे रहेगा। और इसी दौरान में हो सकता है कि ये जो टेररिज्म का मसला हमने शुरू किया हुआ है ये मसला भी जोर पकड़ जाए और अदालतें भी कुछ उनका रवैया उस पर। अब क्या, आप पहले सुप्रीम कोर्ट पे गुफ्तगू करते थे, कल परवेज अलाई की बेल हुई है या मजिस्ट्रेट ने ली है तो हमने कहा ये तो पहले ही ऐसा था, 5 बार रिलीफ दे चुका है और इसका तो जो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड मौजूद है वो देख लें इसका क्या माइंड सेट था। अब ये सारी वो बातें हैं जो ये बताती हैं कि हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम जो है वो तलपट होकर रह गया है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जी जो बहसें हम कर रहे हैं ये बहसों का कंटेंट ही ये बताता है कि हम किस मेस में हैं। बहरहाल आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जहां मौजूद हैं स्टूडियो में मज़हर बिरलास साहब, हमारे बहुत ही नामवर सहाफ़ी, तजिया नगार और बहुत गहराई के साथ मामलात को देखने वाले, और ऑनलाइन मेरे साथ नासिर बेग चुगताई साहब हैं, बहुत सीनियर न्यूज़मैन हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और उनके तजिये भी आप सुनते रहते हैं, आज से नहीं कई बरसों से सुनते आ रहे हैं। आमर ज़िया साहब हमारे बाद में आने वाली नस्ल में बहुत खड़ी बात करने वाले और साफ बात करने वाले में से, इनका बहुत नमाया नाम है, मैं हमेशा उनकी राय का बहुत एहतराम करता हूँ। ये 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे चारों मिलकर शायद कुछ नतीजे पर पहुँच सके। मतलब से पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, करीब बैठे हुए हैं आप और अपने साथियों के भी रास्ता, मैं तो कुछ नहीं दिखा सका, मैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया हूँ अपनी गुफ्तगू में, क्या कहेंगे कहाँ फंसे हुए हैं। अमीर साहब, आपने इब्तदाई में पाकिस्तान के मसाइल की बहुत खूबसूरती से निशानदेही की और आपने बजा फरमाया कि हमें कोई एक मसला तो दरपेश नहीं, फिर आपने निज़ाम पर भी बात की। देखिए ये जो निज़ाम चल रहा है इससे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ठीक है, ये तो ज़मीन बोस हो चुका है, इसमें तो खामियाँ ही खामियाँ हैं। इंसाफ में तखीर की अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि 9 मई का वाक़या ना होता अगर इलेक्शन के सिलसिले में जो तखीर की गई फैसले की मद में और सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात की तरफ लगा दिया गया, तो अगर ये फैसला बर वक्त आ जाता तो ये सानहाना होता। ये ऐसे ही है,
किसी भी अदालत में चले जाएं दो लोग, एक शरीफ आदमी हो एक बदमाश हो, तो शरीफ आदमी एक तहफ़ के लिए जाता है अदालत में, तो अगर अदालत उसको लंबा करती जाए केस को, तो उस दौरान वो जो बदमाश है वो शरीफ आदमी का घर भी छीन लेगा, उसका कारोबार भी तबाह कर देगा, उसके किसी भाई भाई को भी मार देगा। तो इंसाफ में तख़ीर जो है ये एक जुल्म के मुतरादिफ है, ये नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ है। सानिया नौबई पे बड़ी बातें हुई, मैं उस वाकया के बाद ये समझता हूँ मीर साहब कि गुज़श्ता एक बरस में जो महंगाई हुई, जो गुर्बत में इजाफा हुआ और हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो बेरोज़गारी आ गई। अब जिस मुल्क में करोड़ों नौजवान बेरोज़गार हों वहाँ तो एक चंगारी चाहिए, एक बहाना चाहिए। तो ये 9 मई का वाकया की गिरफ्तारी का वो एक बहाना बन गया। अब मेरी तजवीज़ ये है, अब जो पकड़ दकड़ की बातें हुई, मैं कहता हूँ कि ये आपके बच्चे हैं, आप इनको गले लगाइए, आप मोहब्बत का पैगाम दें। बलूचिस्तान में हम अलैदगी पसंदों को माफ़ कर देते हैं, तो ये बच्चे तो अलैदगी पसंद नहीं हैं, ये तो जज्बाती नौजवान थे, और बजाय इसके कि हम उनको अब उनके घरों पे दावे बोले जा रहे हैं और उन पे मुकदमात बन रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे मैं समझता हूँ कि नफरत बढ़ेगी। अच्छा ठीक बात है, आपने दो बातों के बारे में कहा कि एक तो ये जो वक्त इलेक्शन सूबों के कराने थे उसका फैसला ताखीर से हुआ, ये आप कह रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि असेंबलियाँ तोड़नी नहीं चाहिए थी, वक्त पे इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आपकी राय ये है। और दूसरी बात यह है कि अब जो लोग पकड़ दकड़ हो रही है इसमें भी दूसरी राय है। मसलन एक जज ने ये कहा, जो शाहिद अजीज़ सिद्दीकी ने कहा प्रोग्राम में, कहा तलत हुसैन के प्रोग्राम में कहा, बार बार कोट करता हूँ, उसने कहा कि आप GHQ के सामने खड़े हो सकते हैं गाड़ी, उन्होंने कहा नहीं, अंदर सिक्योरिटी कैसे इंतजाम है, उन्होंने डीथल, उन्हें कहा ये लोग जो दाखिल हो गए थे बच के कैसे आए। कुछ लोग इस तरह की बात भी करते हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, आप इस बात को जो इन्होंने हमारे बद्र बिल्ला साहब ने बयान की लेकर आगे कैसे हमें गाइड कर सकते हैं? सर जी मैं दो मिसरे आपके लिए पेश करता हूँ। अच्छा, और वो शायद समझ जाए मेरी बात को आप। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। अयूब खावा का शेर है, नए जमाने का शायर है, और ये पूरा फिट आता है। इतनी उलझन हो चुकी है, ठीक है, इतनी शदीद उलझने हैं, बल्कि चीस्तान बन चुका है सब कुछ। पाकिस्तान एक चीस्तान बन को है, बन गया है। यहाँ आप सबको खुली आजादी देते हैं, इंसाफ पे करप्शन से लेकर मईशत पे करप्शन तक, सारी करप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा दूसरी बात ये कि जब हम ये अर्ज करते हैं, मैं खास तौर से, कि जब हम इंसाफ में करप्शन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मुल्क की और माशरे की और समाज की जो दीवारें हैं, जो बुनियादें हैं, उनको हम दीमक लगा रहे हैं, उनको दीमक ज़दा कर रहे हैं जो किसी भी हल्के से पुश के साथ गिर जाएगी। ठीक है, अभी बात निज़ाम की हुई कि निज़ाम आगे नहीं चलेगा, ये बात तो हम 40 साल से कह रहे हैं कि बदलो बदलो निजाम को बदलो, चेहरा नहीं समाज को बदलो, कोई सुनता ही नहीं। अदालतें भी कहती हैं कि हाँ भुट्टो को फांसी दे दो, अदालतें भी कह देती हैं कि हाँ जियाउलक की जो आमरियत है जायज है, उसको आइन मंसूख करने का हक है। तो जहाँ नाइंसाफी हो, बिल्कुल सही कहा, जहाँ नाइंसाफी हो वहाँ इंसाफ हो नहीं सकता, वहाँ पर ना माशी इंसाफ हो सकता है ना समाजी इंसाफ हो सकता है। मुझसे बहुत से लोग बात अभी जो फरमाया कि और कमांडर हाउस पर आपने फरमाया कि एक आदमी पर नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं मार सकता पर, लेकिन जब फौज के सामने ये सूरत हाल आती है तो मेरे साहब आप तो बहुत तजर्बेकार हैं, आपने मुझसे पहले का दौर देखा है। लाहौर में जब PNA का जुलूस निकला और दो ब्रिगेडियर्स ने फायरिंग करने से इनकार किया, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी ना कि मैं फायरिंग करूंगा तो 4-5 लोग मर जाएंगे,
शायद यहाँ भी यही वजह हो। पर यहाँ का जो हजूम था उस मेगा मॉल पे क्यों नहीं गया जो सामने था, स्क्रीट टावर पे क्यों नहीं चला गया, वो स्क्रीट टावर पे क्यों गया, वो अस्करी हेडक्वार्टर पे क्यों गया, उसने कमर्शियल बिल्डिंग क्यों छोड़ दी, ये सब खैर ये मकान सवाल है जो मैं सोचता हूँ कर देता हूँ। मेरा अपना आज भी मशवरा ये है, आज भी कहना ये है कि ठीक है अमरीका अपने मुलजिमों को ग्वांटानामो बे में रखता है, सबसे छुपा के रखता है, कहता है ये अमरीका का इलाका है, इस पर हमारा कानून चलेगा नहीं। आप देखे ना धांधली गुंडागर्दी की ता कि इलाका तो हमारा है, जजीरा तो हमारा है, जेल भी हमारी है, कानून हमारा नहीं होगा, कानून जेल के हुक्काम का होगा, वहां लोगों को रखता है। ठीक है, अबू गरीब की जेल में रखता है और अबू गरीब में रखता है, क्या अशर किया आपको अंदाजा है, और फिर वहां इसराइल की जेलों में क्या हो रहा है, वहां भी अमरीकी मौजूद है, और दर्जा बदर्जा बात चलती रहेगी। लेकिन असल मसला ये है कि उनके लिए तो सब कुछ जाए, हमारे लिए असल में यार ये बात ठीक कह रहे हैं कि हम बिल्कुल कंफ्यूज कर दिए हैं लोगों ने, यानी जिस बात का ये नारा लगा रहे हैं कि ये किया जाए वो किया जाए, खुद जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो कुछ और तरह अमल करते हैं। हम करना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स की को फॉलो भी करना चाहते हैं, अबे भी करना चाहते हैं, उस पर अमल भी करना चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि कानून के मुताबिक चला जाए। फिर शिकायत में अदालतों से पैदा होती है, वकीलों से पैदा होती है, और बहुत सा मसला। आमर ज़िया साहब कैसे इस बात को आगे बढ़ाएंगे आप? दिलचस्प बात ये कि जो अमरीकी जेलें हैं, मतलब यदि क्यूबा के अंदर हैं या दीगर जगहों पर होती हैं, वो अपने शहरियों के लिए नहीं होती हैं, वो दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए होती हैं। तो वहां पर जाहिर है कि जो अमरीकी निज़ाम में या एक आपको मुनाफ़त नजर आती वो है, लेकिन जाहिर है वो अपने शहरियों को उस तरह से ट्रीट नहीं करते कि जो जिस जो यहाँ पर किया जाता है ना, कि वहां पर यकीनन उनके शहरियों के कुछ हकूक होते हैं, यकीनन वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है। ये जो व्हाइट हाउस का वाकया हुआ है, ये दूसरे वाकया ओहायो जेल से, उसमें तो उन्होंने है नहीं, ओहायो जेल है, ओहायो जेल में समाप्त हो रही है और ऑरेंज जेल के अंदर। जी ठीक ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जो हमारे यहां देखें, जो इस वक्त बहस चल रही है कि सियासी कारकुनों को फौजी अदालतों में पेश किया जाए या ना किया जाए, ये एक बुनियादी सवाल है। उस पर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इंसानी हकूक की तंजीमें वकला और जो साबिक जज हजरात हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह हमें समझ में आनी चाहिए। हमें जो समझाया गया था कि जब मिलिट्री कोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी तो ब्लैक टेररिस्ट की एक डेफिनेशन दी गई थी कि भाई वो सुसाइड जैकेट पहनता है, वो बॉम्बिंग करता है, वो आके मतलब है कोई बंदूक लेके चढ़ दौड़ता है। और वापसी जमाने में आप याद करें कि पैदर पैक किस तरह के वाकयात हुए थे, जीएसटी के हमले से लेकर मसाजिद पे हमले हो रहे थे, एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। और वो दहशतगर्द जो थे वो हमारी आम अदालतों में इसलिए ट्राई नहीं हो सकते थे कि वो अदालत को दबा दिया करते थे, डरा दिया करते थे, जो वहां उनसे डर जाया करते थे, तो उनके लिए खुसूसी अदालतों की जरूरत पेश आई जो बनी और कामयाब भी रही। कराची में तो आपको याद है कि स्पेशल कोर्ट बनाए गए, उनके जज मार दिए गए, और फिर ये तय हुआ कि जरा पर्दे में जज रहे और वहां मुकदमा सुने, ये भी हुआ। जेल में ट्राई होता था, तो वो सारी पूरी तारीख है। जब आप दहशत गर्दों से निपट रहे होते हैं उसके लिए खुसूसी इकदामात बिल्कुल समझ में आता है, और हम जैसे लोग भी उसकी हिमायत किया करते थे और अब तक करते हैं कि जी आप दहशत गर्दी से आपकी आम अदालतें नहीं निपट सकती। लेकिन जब सियासी कैदियों की बात आती है, सियासी कैदियों ने टायर जलाया, उसने पत्थर मारा, उसने बिल्कुल काबिल मजम्मत जो भी उन्होंने हरकतें की बिल्कुल है, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई भाव नहीं है, तमाम लोग उसमें मुत्तफिक हैं। लेकिन फिर मैं याद करूं कि हमारी अपनी तारीख से हमें मिसालें मिलती हैं कि पिंडी साजिश केस हुआ था मशहूर मारूफ, और उसमें बड़े बड़े लोग जो थे वो गिरफ्तार हुए थे, फैज से लेकर मेजर इसहाक भी, तो उनका कहाँ पे ट्रायल हुआ था? कोई फौजी अदालत नहीं हुई बनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ। वकील भी कितने बड़े थे, वकील भी एक तरफ एक बरोही था, दूसरा हुसैन शहीद सोहरावर्दी था। अब वैसे वकील भी तो नहीं है ना जी, मुसीबत तो ये हो गई है। अब जो हाजिर है उसमें हुज्जत नहीं होनी चाहिए, जो हाजिर है उसी उसी से काम उसी पे काम चला। हैदराबाद साजिश केस हुई, फिर हैदराबाद साजिश केस हुई, उसमें आपको याद होगा इंसर्जेंसी में हमारे 4,500 के करीब जो फौजी थे और अफसरान थे शहीद हुए थे, धमाके हुए थे, शेरपाओ को कत्ल किया गया था, तमाम चीजें हुई थी। कहाँ पे उनका ट्रायल हुआ था? ट्रिब्यूनल बना था, लेकिन सिविलियन कोर्ट थी। मुशरफ साहब का जो हाईजैकिंग केस था कहाँ पे चला था? वो आर्मी चीफ पे तैयारा हाईजैकिंग का इल्जाम था ना उनपे, नवाज शरीफ साहब पे, कहाँ चला था? सिविलियन कोर्ट में चला था।
तो माजी में जो हमें मिसालें मिलती हैं, क्योंकि अभी जो हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन है उसमें किसी एक सियासी जमात के हमदर्दों को या उनके कारकुनों पिछले चार साल पिछले चार साल में वो कहते हैं कि 20 लोगों के मुकदमा जो हैं वो टेरिस को वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले हैं। अच्छा मैं इसको प्रीड नहीं कर रहा, तो मैंने कहा ना वो कहना मैं कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी और सियासी कारकुन में फर्क होता है। जो सुसाइड जैकेट पहन के बॉम्बिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो अलग वो होता है, ब्रीड होती है। और एक जो पत्थर वत्थर मारते हैं, वो तो हमारे नासिर में कुत्ताई साहब भी मारा करते थे, जो नहीं पत्थर भी मारते हैं, पेट्रोल बम भी मारते हैं, पेट्रोल बम भी मारती है। जी जी मैं वही अर्ज करूँ, ये तो मतलब है, ये याद है जामे कराची से निकल के लोग गाड़ी जला दिया करते थे, बस को जला दिया करते थे, एमआरडी तहरीक किया, बोरी बंद लाशें मिलती थी, है ना, हाँ सब होता था। तो वो एक अलग सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर जितनी पोलराइजेशन है, मीर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किसी एक सियासी तंजीम के कारकुनों को अगर ट्रैक किया जाएगा, हमदर्दों को ट्रैक किया जाएगा फौजी अदालतों में, तो बिला वजह आपकी जो फौज है वो मुतनाजा बनेगी और नहीं बनना चाहिए उसको। फौज सबका इदारा है। ठीक बात, आपकी बात इस मामले में बिल्कुल क्लियर क्लियर आ गई, बिल्कुल साफ वाजे बात आ गई है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे को दोबारा हाजिर होते हैं। ये मसला तो समझ आता है कि इस पर एक तरह का लोगों का इसरार इस बात पर है कि फौजी अदालतों पर मुकदमा ना चलाया जाए। उधर शायद ये स्कीम बन रही है कि इसके जो सरबराह हैं उन पर भी फौजी अदालत में मुकदमा चलाए और ये साबित किया जाए कि वो भी दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों को मोटिवेट करते थे, उनको इंस्पायर। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं उस पर करता। मैं अब पूछना ये चाहता हूँ कि मुल्क जिस हालत में है इकोनॉमिकली, उसका क्या बनेगा? क्या अगर हुकूमत बदल जाए, इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, कोई भी आ जाए, इमरान की आ जाए, दूसरों की आ जाए, क्या वो मसाइल इकोनॉमिक तय कर सकते हैं, या कोई इंटरनेशनल एजेंडा है जो हमें पीसना चाहता है, हमें दबाना चाहते हैं? एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, सूरत हाल तो वैसे मैंने अर्ज की ये है, और मुकदमा कहाँ चलें, कोर्ट्स में चलें, मिलिट्री कोर्ट्स में चलें, कैसे चलें, क्या होने वाला जो सामने आ रहा है जी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया था, इस वक्त जो एक प्रायोरिटी है जिस चीज़ को, एक तो बात मैं वो सवाल अब नहीं करना चाहता, खुद अदालतों के वकार का, उनके अंदर जो डिवीज़न है उसका भी एहतराम की बात है, और खुद सारे वकीलों का पार्टीजन होना, और हर वकील का या हर जज का किसी वकीलों के चैम्बर से वाबस्ता होना, ये अलग सवाल है, इसको नहीं छेड़ते। मुआशी सूरत हाल बलासा मैंने अभी जिक्र किया था, बजट आने वाला है, महंगाई से बुरा हाल है। अच्छा आपने तो कह दिया जी ये चार साल में जो महंगाई हुई, ये एक साल में महंगाई हुई, कुछ कहते हैं चार साल से इसका शुरू हो गया है। इसाक डार भी कहते हैं हम 24वीं मईशत थी, इन्होंने 47वें नंबर पर ले आए। कुछ कहते हैं कि चार साल की बात भी नहीं है, ये किस्सा तो 20 साल से शुरू है, 15 साल से शुरू है, ये कुछ पुरानी बातें गिनाते हैं। मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल, मुझे बताइए कोई रास्ता नज़र आता है इस वक्त? मीर साहब मैं मीशत से पहले एक छोटी सी बात कर लूं। आमिर ज़िया साहब ने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में माजी के हवाले दिए और सिविलियन अदालतों की बात की, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ सिक्योरिटी लैप्स जो हुए, क्या उन जिम्मेदारान को किसी ने पूछा? वो तो नहीं पूछा गया, तो पता नहीं पूछा ही हो जी। तो जो सिविलियन हमें तो बताया नहीं जाता जी, जो सिविलियन हुकूमत है क्या पुलिस नहीं रोक सकती थी? वो भी तो जिम्मेदार है। दुनिया में छोटे छोटे वाकयात होते हैं और वहाँ के वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आला और जिम्मेदारान इस्तीफ़ा दे देते हैं, क्या यहाँ किसी ने इस्तीफ़ा दिया? तो खैर मैं खुद भी इसी बात का हामी हूँ कि सिविलियन अदालतों में मुकदमे चले, और अब मोहब्बत का जवाब ही कोई नहीं होता। सिविलियन अदालतों को ठीक तो भी तो करे ना जी आप, मुसीबत तो ये आ गई ना, जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह डिवाइडेड है। देखिए हमें मतलब मैं ज़ाती तौर पर भी, यानी कि मैं इस वक्त नॉन कमिटल अपने आप को शो कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो अदालतों में तकसीम है और जो सूरत हाल है, कल पौधा इकट्ठे लगाने के बावजूद वो तासर खत्म नहीं होता। अच्छा मीर साहब एक गुजारिश, अब जिस शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी उसने, वो तो अगवा किया गया होता, गैर कानूनी हिरासत में था, उसके अगवा का पर्चा कहीं दर्ज हुआ है? और जिन लोगों ने उसको अगवा किया तो अगवा कहें वो आप देखें ना, अब आप अगवा कहते हैं, वो रेंजर ने गिरफ्तार किया है,
और उसको अदालत में पेश किया गया ये? और अदालत आलिया ने कहा, हमारी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उसी में तो तबाह नहीं हो रहा लोगों को, गैर कानूनी हिरासत है। चले मईशत पे बात करते, देखिए आज तक जो आदमी कभी नैब के केस में पकड़ा गया है, कोई मुझे पुरानी मिसाल दे दीजिए, उसका 24 घंटे के अंदर बेल हो गई हो, मुझे एक मिसाल दे दीजिए। मीर साहब अब हम मईशत पे बात मैं करूँ, फिर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, दो आपने फिर यकदम ही मेरा टाइम खत्म कर देना। गुजारिश ये है कि 90 से पहले हम भारत से कहीं आगे थे, हमारी करेंसी भी मजबूत थी, बांग्लादेश से भी आगे थे, इस खत्ते में आगे थे, तो यही लोग हुक्मरान रहे हैं। कौन हुक्मरान रहा है, तो कसूरवार कौन था फिर? नहीं, 90 से आगे नहीं, 92 में ये जो सदर थे मनमोहन सिंह, उनके वजीर खजाना थे, उन्होंने नवाज शरीफ ने आके जब इकॉनमी को फ्री किया तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान इस तरह चलता रहा तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, फिर इंटरफेरेंस हो गई। अब गुजारिश ये है कि एक साल या 13-14 महीने पहले एक हुकूमत लाई गई, बड़े माहरीन थे, और जो इसहाक डार साहब हैं वो फरमाते थे कि मैं निपट लूँगा IMF से। बाबा अब इससे बड़ा मसला ये है, एक तो आपने फिलहाल जो कर्ज चुकाना है वो, एक और लटकती तलवार है जो 1.5-2 साल बाद आ जाएगी सामने, कि जब आपने ईरान से मुआहदा किया गैस पाइपलाइन का तो उन्होंने तो कंप्लीट कर दी अपने मुल्क में, आपने नहीं की, और फिर आपको जब 10 साल के बाद, अब 10 साल होने वाले, तो 10 साल के बाद जब आपको $18 बिलियन जुर्माना देना पड़ेगा, उसका आप क्या करेंगे? या तो आप इन 1.5-2 साल में पाइपलाइन बिछाएं और ईरान से अपने मामला ठीक कर लें, या फिर आपको अमेरिका बहादुर पैसे दे दे या कोई और दे दे, वो उसका आप क्या करें? मैं तो कहता हूँ मामला ठीक करें, और अगर चीन के साथ कोई सी पैक की सूरत चाली बनती है तो घबराने की बजाय उनके साथ, बल्कि मेरी राय ये है कि खत्ते में लड़ाई सी पैक की और IMF की है, और कोई लड़ाई नहीं। जी चौथाई साहब आप क्या कहेंगे, बेस तो उन्होंने बना दिया आपको बल्लाज साहब ने, और बकौल जैसे उन्होंने कहा था अचानक कह देंगे वक्त खत्म हो गए। उससे लोग हूँ, मैं हूँ, हम शायद बचपन से ही सिविल सोसाइटी और सिविल सॉवरेंटी इसकी बात करते चले आ रहे हैं, हम आम अदालतों की बात करते चले आ रहे हैं, हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि सबको जीने का हक हो, सबको रोजगार का हक हो, सबको सेहतमंद होने का हक हो, सबके ह्यूमन राइट्स हो, लेकिन ये हुआ नहीं। हम ख्वाब देखते रहे, हम पर फौजी अदालतें भी आ गई, और फौजी अदालतें अभी कायम नहीं हुई हैं, ये चल रही हैं, ये चल रही हैं, अपनी कार्रवाई मुस्तकिल कर रही हैं। ये हसन अस्करी कौन था भाई, खटक कौन था, सिविलियन थे ना, क्या कसूर था? उन्होंने पत्थर तो नहीं मारा था, उन्होंने किसी को गमला उठा के नहीं मारा था, कोई बम भी नहीं मारा था उन्होंने, उन्होंने खत लिखा था एक साहब ने, उनको पकड़ लिया गया, फौजी कोर्ट में ले गए। तो अब ये जो हमने कोई एहतजाज नहीं किया, माइंड इट, हम चुप रहे, और हम मजदी मंजूर था पर्दा तेरा, अब हम चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अब चिल्लाने का वक्त दिया जा रहा है आपको, आपसे कहा जा रहा है कि आप चिल्लाएं कि ये फौजी अदालतें गलत हैं, जो कि अब उन्होंने ये तय किया है कि ये गलत नहीं है, ये क्यों पहले से कायम है, पहले से कब से कायम है, जब से लॉ में अमेंडमेंट हुई, और लॉ में अमेंडमेंट क्या हुई कि सिविलियन को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो एक तो खौफनाक बात ये हुई थी, कुछ प्रोग्राम हमने किए जरूर, शायद आमिर भाई भी थे, आमिर जिया भी थे उसके अंदर, वहाँ पे कहता खतरनाक है ये, लेकिन लोगों ने सुनवाई नहीं की और शायद प्रोग्राम भी बंद कर दिए। मईशत के जहाँ ताल्लुक है, 5 साल पाकिस्तान के लिए समय कातिल रहे हैं, जहर रहे हैं, पाकिस्तान की 5 साल कारकर्दगी इंतहाई खौफनाक है, इंतहाई खतरनाक है। मैं 5 साल के जो पुराने इंडेक्स हैं वो पढ़ के सुना नहीं चाहता आपको, 55,000 स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर कितने का, गंदुम कितने का, हम इन 5 सालों के दौरान जो गुजरे हैं, हम गंदुम की इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास की इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चावल की इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अरे वो चीज़ें जो हमारी
कैश क्रॉप थी, उनको हम इम्पोर्ट करने में मजबूर हैं। अभी हवाला हुआ मनमोहन का, नरसिम्हा राव से मेरा इंटरव्यू था, अलबन 95 की बात है, उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा, तारीख का जुमला है कि, और मुस्माने में सऊदी जर्नलिस्ट था मुस्माने में, कि देखो ये तुम्हारे साथ जो सऊदी आया हुआ ना, ये तो सर्वाइव कर जाएगा, तुम्हारी पजीरो, तुम्हारी प्राडो, तुम्हारी टोयोटा हाइलक्स ये सर्वाइव नहीं करेंगी, हमारी मोरिस और हमारी एम्बेसडर हमें खींच के ले जाएगी खुद मुख्तारी तक मईशत के अंदर। ठीक है, ठीक हुआ सर। मैंने उनसे कहा था जी आप तो नई गवर्नमेंट आ जाएगी आपके, कहेंगे नई गवर्नमेंट आए कोई भी आए, 22 साल तक इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आमिर ज़िया साहब इन्होंने कि 22 साल तक उन्होंने कहा कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, हुकूमतें बदल जाएं, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे यूपी उनकी आए, बीजेपी की आए, किसी की भी आए, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखते हैं, तभी तरक्की भी कर रहे हैं। हमें क्या है, हम क्यों नहीं इस पर इत्तेफाक कर पा रहे? देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई, इनके इकोनॉमिक विजन पे बात करें, कोई भी प्राइवेटाइजेशन को अपोज नहीं करता। पीपल्स पार्टी कुछ सूरतों में करती लेकिन नहीं करते। सभी जो है मतलब है जो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड जो तकाजे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, उस पर कारबंद रहना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि कोई पॉलिसी डिविजन है तीनों बड़ी जमातों के दरमियान, मुझे तो इनमें 19-20 का ही फर्क नजर आता है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ एक तो सियासी अदम इस्तेकाम है जो कि भारत में उस तरह से नहीं रहा, हमारे यहाँ क्यों से है, और एक 90s का लॉस्ट डेकेड था, उसमें हमने बड़ा वक्त जाया किया। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में फौजी हुकूमत थी क्योंकि, तो एक आपने देखा कि 5 साल हमें प्रोस्पेरिटी के मिले क्योंकि बाहर से वो कहते हैं स्केड्यूल भी लोन हमारा हो गया था, फौजी इमदाद भी मिल रही थी, इकोनॉमिक इमदाद भी मिल रही थी, तो हमारे ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट वॉज अराउंड 7% उस दौर में। उसके बाद 2008 से 2018 तक आप देखें हम लोग फिर उसी उसमें फंस गए, क्योंकि जो परसेप्शन का एक जो परसेप्शन की जो बात होती है उसमें आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे करप्शन के हवाले से लोग कहते हैं कि वो एक अनदर लॉस डेकेड साबित हुआ 2008 से लेकर 18 तक का। उसके बाद कभी आप देखें कि उनकी भी पॉलिसीज में हमें क्लैरिटी नजर नहीं आई, और उसमें जैसे उन्होंने शुरू में ही IMF प्रोग्राम सबको पता था कि आपको जाना है, लेकिन उसमें नेसेसरी डिले हुआ, ठीक है ना। और फिर उस दौर के बाद कोविड भी आया, तो हमारी जो इकोनॉमिक मिजरीज थी, हमारे जो माशी बुरान था, वो बड़ा बढ़ गया। अब आप देखें, अगर मैं आजाद शुमार की बात करूं कि हमारा सन 22 में फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारी पर कैपिटल इनकम $1766 हुआ करती थी, अब इस साल अगर आप देखें तो 1568 हो गई, यानी कि मजीद गरीब हुए बहसियत कौम, हमारी कुव्वत खरीद में कमी आई है, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, दर जो है जी वो तो एक अलग बात है, वो डॉलर महंगा हुआ लेकिन एक कुव्वत खरीद जब आपकी पर कैपिटा इनकम गिर गई तो उसका मतलब है ये तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका ना। डिवेल्युएशन एक अलग है, फ्राते दर आपका शॉर्ट टर्म 45% से ऊपर है, महाना जो है वो 38% है पिछले 2-3 महीने से, 30% से ऊपर है, और 11 माह में आपका 20% एवरेज जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा PDM गवर्नमेंट के दौर में हुआ है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम इंडिया का हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश का हमसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, और श्रीलंका का भी हमसे ज्यादा है। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसहाक डार साहब को बड़ा एक चैंपियन बना के लाया गया था टारजन की, संभाल लेंगे, लेकिन वो रिफॉर्म के इस्लाहात के वजीर खजाना कभी भी नहीं रहे वो, और अभी भी जो उन्होंने उसके फिगर दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जी। अच्छा, उन्होंने प्रोविजनल फिगर दिया ना 0.29 ग्रोथ का, तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसकी एक्यूरेट फिगर है भी या नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि जी सन 23 में फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारी जो लाइव स्टॉक की ग्रोथ थी वो 3.8 थी, और सबको पता है कि जी लाइव स्टॉक की ग्रोथ हमारी इसलिए इतनी नहीं हो सकती कि सैलाब आया था, लाखों जानवर मर गए थे, और जो 2022 में उससे भी आपने लाइव स्टॉक ज्यादा दिखा दी, और लाइव स्टॉक का अच्छा खासा हमारा 21% अगर GDP के अंदर हमारा एग्रीकल्चर है तो उसका लायंस शेयर जो होता है वो लाइव स्टॉक को जाता है। एजुकेशन को उन्होंने कहा जी 10% ग्रोथ है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% गिरी है, लेकिन स्मॉल स्केल को कहते हैं जी 9% ज्यादा हो गई, तो लोग इनके उस पर वो कर रहे हैं डाउट। ठीक बात, ठीक बात है जी, लोग इन पे भी डाउट कर रहे हैं। अब हम बचेंगे कैसे, क्या तरीका है, क्या रास्ता है, क्या यही रास्ता है कि इलेक्शन करा दिया जाए, जो आ जाए उसको सौंप दिया जाए, क्या हम निकल जाएंगे इस क्राइसिस से? ये बारी बहुत सारी बातें हैं, वो वही के गुंजल जो पड़ी हुई हैं, गिरें पड़ी हुई हैं, ये खुल नहीं पा रही। एक वक्फा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन कराम, वक्त बहुत कम होता है हर बार आखिरी सेगमेंट पे। अब मैं अपने साथियों से यही पूछता हूँ, इसे बॉटम लाइन कहते हैं या क्या कंक्लूड करते हैं, क्या वे फॉरवर्ड समझते हैं, हमें एक दो लाइनों में, एक सत्रों में मुख्तसर तौर पर बताएं, क्योंकि मैंने बताया वक्त बहुत कम है। बिलास साहब, आपने सुन लिया कितना वक्त है। सर, हमारा सियासत से ज़्यादा मसला मीशत है। अभी जो चुगताई साहब ने बात की कि गंदम इम्पोर्ट करते रहे और चावल, हजूर गुजारिश ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एग्रो बेस्ड है और उसमें आपकी आबादियाँ आपकी ज़री ज़मीन खा गई हैं और ज़रात के साथ आपने ये किया है कि आप उसको जदीद खतूत पर इस्तवार ही नहीं कर सके। ठीक बात है, ठीक। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी इससे जुड़ी हुई है, प्रॉपर्टी का जो कारोबार है उसने ज़मीनें भी खा ली हैं आपकी। जी हाँ, और उससे हमारा ब्राउन लैंड कर दिया आपने। हमने पूरी एग्रीकल्चर को, जी जी, हम हाई राइज बिल्डिंग की तरफ गए नहीं, हमने अपनी ज़राअत के साथ खुद ठीक बात है, ठीक, बिल्कुल ठीक। जी ताई साहब, क्या कह रहे हैं आप, बिल्कुल जल्दी से आप। मैं कह रहा हूँ सर कि हमने एक प्लानिंग के तहत, मतलब पैसा चाहिए था हमको, हम हविस पे थे। लाहौर का जो वाकया है, जो रावी फ्रंट है, वो क्या है, वो ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करना है, रिहायशी जो प्रवेश पे बल्जाम है। जी 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 हाँ, वो मैंने, वो फैक्ट है, वो पूरा आपका पूरा मंसूबा प्लान मौजूद है पूरा जो स्टे की हुआ है। तो बात यह है कि हमने मीशत पे जोर ही नहीं दिया, जोर नहीं दिया हो, हमने कुछ नहीं किया हो। हकीकत यही है कि हम गंदम खरीद रहे हैं। ठीक ठीक बात है, चावल खरीद रहे हैं। ठीक बात है, ठीक। आमिर ज़िया साहब, क्या लास्ट वर्ड्स क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में पहला तो कि हमें सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, वो जब तक इंतखाबात नहीं होंगे नहीं आएगा। फिर इंतखाबात के बाद आ जाएगा इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए हमें आईएमएफ प्रोग्राम को हर हालत में जारी करना होगा। आईएमएफ प्रोग्राम अगर जारी होता है तो आपको अनलॉक होंगे जो आपके दीगर मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर्स हैं, वो आपको पैसे दे सकेंगे। फिर आपको इस्लाहात की जरूरत होगी, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको अपने जो लॉस मेकिंग इदारे हैं उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग जो वक्त इतने पैसे जाया कर रहे हैं, और फिर जाहिर है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और वो सिलेक्टिव ना हो बल्कि अक्रॉस द बोर्ड हो, और इसमें ये ना हो कि हुकूमत में आ गए तो इसाकदार साहब जो है वजीर खजाना बन गए। बहुत जनाब, आपका शुक्रिया। बात बड़ी लंबी हो सकती है, जैसे मैंने कहा था वक्त बहुत मुख्तसर है, कसूर इसहाक डार का है या मुफ्ता इस्माइल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थे, और उससे पहले जो शौकत तरीन थे या हफीज शेख थे या कोई और भी थे, असद उमर का मैं क्या नाम लूँ, और हमाद अज़हर तो बेचारा कुछ नहीं था, जितने भी लोग थे शायद सब ने कंट्रीब्यूट किया है हमारी इस तबाही में। उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमने कंट्रीब्यूट किया है। हमने इस मुल्क की पॉलिसियाँ वो नहीं रखी, हमने अब इस मुल्क में जिस तरह कार मैनुफैक्चरिंग बाहर से मंगवा के की जाती है और लोकल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले सालों की हमारी तरक्की जो थी वो इस पर थी जी, ऑटो इंडस्ट्री में बहुत बूस्ट आया है, ये बूस्ट हमें आगे लेके नहीं जा सकता। बहरहाल अल्लाह करे कि मईशत की कोई बेहतर सूरत निकले। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।